जनता की बात जनता के। हम खड़े हैं दिल्ली के मिहिर भोज पार्क में और देखिए कि यहाँ स्थिति जो है, कैमरे के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। दिखाइए, पूरा कैमरा लाइए और दिखाइए कि पार्क की जो है स्थिति क्या। आप देख सकते हैं सामने, वहाँ लाइए, गेट के पास लाइए, दिखाइए वहाँ किस तरह से खुले में जो है जानवरों को छोड़ दिया जाता है। पार्क के आसपास जो है जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जानवरों को बांध दिया जाता है। और ये देखिए पीछे में जो है ये तालाब है, देखिए आपको स्थिति यहाँ की स्पष्ट दिखाते हैं। आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना हाल जो है यहाँ पे बेहाल है। देखिए पार्क के अंदर की गंदगी, देखिए ऊपर आ जाइए और पार्क के अंदर की गंदगी को दिखाइए। देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कचरा जमा होता है, सारा नाली का पानी आता है और लोग जो है इसी बीच जीवन यापन करने को मजबूर है। अब देख सकते हैं नाला और घर से सिर्फ और सिर्फ रोड का फासला है और लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जितनी भी लोग हैं आसपास जॉब करने वाले हैं उन लोगों का ऐसा है कि वो यहाँ पे लंच करने आते हैं। देखिए कई महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, उस साइड के ऑफिस के लोग हैं और लोग यहाँ पे लगातार जो है आकर बैठते हैं और इस गंदगी के बीच जो है खाना खाने को मजबूर होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक महिला है, ये देखिए किस तरह से मैडम यहाँ पे दुर्गंध नहीं आती है? बहुत आती है मैडम। कितने सालों से आप यहाँ लंच करने आ रही हैं? तीन साल हो गए। तीन साल से स्थिति कुछ सुधरी नहीं? अभी बैठने के लिए सीट मिल गई है, अभी बेहतर है, पहले बहुत गंदा था, यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, इतना गंदा था। ये मंदिर भी अभी बना है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो आप क्या करती हैं यहाँ पर? जॉब करती? हाँ जॉब करती। तो रोज जो है लंच करने के लिए यहाँ आते हैं, दुर्गंध के बीच कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत मुश्किल है, पर क्या है, टाइम काटना है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा साफ सफाई हो, बेहतर हो, हम लोगों को गंदगी से बीमारी फैलेगी। नाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाले के बारे में कहना है यही कि सफाई बहुत जरूरी है, बहुत गंदगी है नाले। तो देखिए लोगों का यही कहना है कि सफाई बहुत जरूरी है। अब क्या लगता है, जब आप भी यहाँ पे बैठी हुई हैं तो आप क्या यहाँ पे जॉब करती हैं? नहीं, हम तो यही रहते हैं। यही रहती हैं और गधे? अरे बहुत मच्छर वगैरह बहुत कुछ होते हैं यहाँ तो, गंदगी की वजह से। जब जानवर जो घूमते हैं ना यहाँ, गोबर वगैरह कर देते हैं वहाँ, गंदगी कोई उठाता ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही गंदगी है। तो घरों में रखना कितना दुर्लभ होता है, सिर्फ रोड भर का फासला है, नाले का दुर्गंध घर तक सीधा आता होगा? सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा ही जाता है। और कहते हैं गंदगी आती कहाँ से है, पता नहीं, इतने बंद घर में रहते हैं तभी गंदगी, मच्छर पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि भाई सुधार करो कुछ, पार्क का हाल बेहाल है, यहाँ रहना भी जिंदगी कितना नरक है, नरक है, बिल्कुल नरक बना हुआ है। ये आया नगर का तो सुधार हो ही नहीं रहा है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं। बजट भी इतने दिखाते हैं, इतना आया इतना आया, पानी डूब जाता और पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्यों तो आप ही दिया है ना? और क्या, वोट तो देते ही है, वोट अपना थोड़ी खराब करेंगे। वोट देते हैं तो हक भी बनता है ना, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहेंगे कि साफ सफाई करो भाई, जो रहोगे वो साफ सफाई करोगे, हम भी रहेंगे तो हम भी देखेंगे हमारे वोटों का क्या था। नाली की सफाई के बारे में, नाली तो बिल्कुल खुली पड़ी है, उसमें लेटरिन भी जा रही है और गंदगी भी इतनी, और जो बारिश वगैरह हो जाती तो ओवर हो जाती है, चलना भी मुश्किल हो जाता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी परेशान हैं, सारे परेशानी परेशानी है। तो परिवार के लोग बीमार हो जाते होंगे? अरे बीमारी बीमारी है, बीमार है, अगर कहीं निकल गया कोई जगह ना रह दे, इतने बीमार है, दवाई लेने को परेशान रहता है, अब कहाँ लें दवाई जाएगी। कुछ ही महीनों में बारिश का मौसम आ जाएगा तो वैसे में क्या होता है? अरे बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ निकलने को परेशान हो जाते हैं, बहुत बुरा परिवार। आया नगर तो बिल्कुल नरक है, नरक परिवार में छोटे बच्चे, पाँच पाँच दस दस मंजिल की कोठियाँ बना ली है, रास्ता चलने को नहीं है, बच्चे जब जाते हैं स्कूल, और यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि जिसने रास्ता निकाली है वो रास्ता ही अपनी अपनी बंद कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे घर के लिए जाते थे तो रास्ता बिल्कुल सीधा था, और अब तो रास्ता ही बंद कर दिया, अपने अपने गेट लगा के रास्ते ही बंद कर लिए, पक्के करा लिए, रास्ते ही बंद कर दिए।
तो अगर किसी महिला का डिलीवरी होना हो या रात में कहीं आना जाना हो या फिर कोई घर में बीमार हो और एम्बुलेंस बुलाना हो तो ऐसे में कैसे होता है? वही बहुत दूर से आते हैं, वो तो किसी न किसी से लेके आते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, कोई भी हो परेशानी सबको, यानी बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ जीवन है। हाँ बिल्कुल, नरक है नरक। तो देखिए आंटी, कितने साल हो गए आपको, कितने साल से यहाँ रह गए? तो यहाँ 30-32 साल हो गए। 30-32 साल में क्या लगता है स्थिति कितनी सुधरी? बस वही रुपया में 25 पैसा हो, रुपया में 25 पैसा भर। क्या लगता है आगे स्थिति को देखकर? आगे तो लगता है कि कुछ होगा, कुछ होगा। हाँ लगता है कि कुछ होगा, उम्मीद तो है, क्योंकि इतना कभी देखा नहीं था, इतना देख लिया तो बहुत बड़ी चीज देख लिया, इतना देख लिया तो बहुत बड़ी चीज देख ली। अब अब जब परिवार में छोटे बच्चे भी होंगे, बारिश के समय में आना जाना गुजरना, स्कूल। अब जो नेता लोग हो गए वो कह रहे हैं कि आप सुधार करवाएंगे, अब भैया वो करवाएंगे, हमें देखने मिलेगा और क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं बात तो चल रही है 10-15 साल से, सुधार हुआ है? बस यही सुधार है जो सामने दिख रहा है कि बैठने के लिए ये कुर्सी पड़ गई है, एक रख जाता है एक तोड़ जाता है। तो मेरे साथ एक बच्चा है, कितने साल से हो? मैं 14। तो यहाँ खेलने आते हो? हाँ। खेलने भी आ जाता है? नहीं, यहाँ पर आ जाता है, बीच बार कहता है वीडियो बना के ले जाता है, कहता है जो बच्चे गिल्ली डंडा या बैट बॉल या कबड्डी खेलते रहते हैं उनसे कुछ खेलता नहीं है, जो कबड्डी वाले बच्चे होते हैं उनके उनको तो मना करता नहीं, जैसे हमारे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं वीडियो बना के ले जाता है चुपचाप। और उसके बाद क्या किया जाता है? फिर पुलिस को वीडियो दिखा देता है सरकारियों को, फिर पुलिस घर में आते उठाने के लिए। तो क्यों खेलने नहीं दिया जाता है? चलो कोरोना का तो मैं मान रही हूँ, क्या बाकी कोरोना से पहले भी स्थिति ऐसी ही थी? हाँ ऐसी थी पहले भी। तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाए, क्या करें? पता नहीं, घर में कहना चाहोगे सरकार से? हाँ कहना चाहता हूँ। बताओ सरकार, इस बीमार को पकड़वा दो एक बार, बस घर के पिटाई में इसकी। तो देखिए स्थिति जो है यहाँ पे इस तरह की बनी हुई है, यहाँ बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। सही तो भाई, यहाँ पे कंडीशन इतना ज्यादा रहेगा, सफाई निकवा दे वीडियो मारे उन न्यूज पाएंगे, देख सकते हैं ये ओपन जिम है, मेरे सामने ओपन जिम है, और देखिए यहाँ पे हाल कोई वाला नहीं है, यहाँ पे जिंदगी कैसे चल रही है, यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से काम चलेगा या फिर इस तरह से हमें और कुछ सुधार चाहिए? वही सुधार ही सुधार चाहिए हमें, तो सुधार ही में रह सकते हैं, नरक में तो और रह लिए। वोट तो आप देते हैं, हक तो आपका ही है। वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वोट थोड़ी खराब करना है, जिंदा रहना है तो वोट तो देना ही, तो हक के लिए। अगर वोट नहीं देंगे तो मरे भी कह देंगे मर गए और क्या, वोट देंगे तो जिंदा है, वोट नहीं देंगे तो मर गए। तो देखिए यहाँ पे जिंदगी जो है कितना बेहाल है, आप भी यही रहते हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? तो जो पार्क की स्थिति है, खुले में जानवर, उधर कैमरा ले जाइए वो दिखाइए, खुले में जानवर घूम रहे हैं यहाँ पे, पास में पंजाब नेशनल बैंक है, छोटी छोटी दुकानें हैं, किराना स्टोर है, तो और यहाँ बिल्कुल ही रोड भर का फासला है घर का, और ये दुर्गंध काफी आती है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पूरे आयनगर गांव का जो ऊपर का सारा इसमें आ रहा है तालाब में, और जब बारिश आती है तो पूरे में एकदम मजबूत। ऐसे में जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, उसमें क्या बच्चों पे असर पड़ा, बीमारियां फैलती, डेंगू का असर भी अक्सर देखा जाता है, कैंसर भी हो रहा है लोगों को इसकी वजह से, पानी जो ट्यूबवेल के अंदर जा रही है यही पानी घरों में जा रहा है, काफी लोगों को कैंसर होते जा रहे हैं, तो बार बार बोलते सफाई कराएंगे उसके पैसे खा जाते हैं, सफाई नहीं, पैसे खा जाते हैं सफाई नहीं होते, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कहने के माध्यम से? सरकार से क्या, यहाँ पे जो MLA वो तो आम आदमी पार्टी के, पार्षद वो कांग्रेस के, स्थानीय पार्षद यहीं के आयनगर के, तो पार्टी किसी की भी हो सफाई तो जरूरी है ना? सफाई तो जरूरी है, लेकिन नगर निगम की जिम्मेवारी है, तो नगर निगम यहाँ पे कोई अंदर गाँव में चले जाइए आप, सारी गलियाँ नाली सब भरी पड़ी है, भी पानी बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है, सिस्टम में बदबू है, कोई नाली सब टूटी पड़ी है, तो सरकार भी तो अपने ही चुने ना, वोट तो आप ही देते हैं? अब वोट तो हम ही देते हैं, हमने तो चुना था इसलिए कि अच्छे काम करेंगे, यहाँ के नेता हैं,
काम अच्छे हो रहे हैं? जी कहाँ पे काम कुछ भी नहीं है, देखिए आपके सामने पूरे आयनगर में घूमने आप आयनगर रीजन बस्ती मतलब निकलने तक के रास्ते नहीं है, इतने फीचर हम इसीलिए तो आपके बीच आते हैं कि ताकि दिखाए सरकार को जिंदगी से रूबरू कराए। जो बैठकर भाषण देते हैं तो कितना उनका भाषण जो है उस जमीनी हकीकत क्या है उसी के लिए आते हैं आप जैसे लोगों के बीच और कहते हैं कि देखिए आइए और देखिए ऐसी जिंदगी एक दिन जी कर देखिए कितना ये काम हुआ है ना, ये काम हुआ है ना इसके नीचे यही टाइल जो है, ये टाइल जो यहाँ पे लगी हुई है ये टाइल इसके नीचे दबी हुई है, उसके ऊपर से पार्षद जी ने अपना वो डाल दिया और रिश्ता डाल दिया, अपनी टाइलें लगा रहे हैं, डबल डबल काम हो रहे हैं। जो MLA का काम था उसी के ऊपर पार्षद जी काम कर रहे हैं, तो उनकी टाइलें वहां लगी हुई थी वो निकाल दी सारी। तो उधर की क्यों निकाल दी, वो तो वहां तो हाल लगी हुई थी, वो सब पैसे खर्च हुए 40 लाख रुपए वो सब खराब कर दिया। अब पार्षद जी बोल रहे मैं काम कर रहा हूँ उसी के ऊपर, MLA के काम के ऊपर पार्षद जी काम कर रहे हैं, डबल खर्चा हो रहा है पब्लिक का पैसा इसमें, डबल डबल, यानी जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं हो रहा है, उधर की टैक्स निकाल कर इधर लगाई जा रही है, कहाँ तक सही है? क्या इस नहीं लगता कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हाँ ये पैसे कमाने का तरीका है भाई, उनका काम वो निकाल करके उनकी टाइल है नहीं लगाई थी, साल भर हुआ है उनकी निकाल करके अपनी लगा रहे हैं, जो मेरा काम चल रहा है वो कैसे, बाकी पब्लिक का पैसा है तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है इसमें, सब घपला है, अब घपला है, यानी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ टाइलें उधर से इधर की जा रही है और सरकार को जो है 25 पैसे का हिसाब 1 रुपए दिया जा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं यहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे यहाँ से, आप ये लगाओ कोई इसके अलावा कोई जगह नहीं है, ये बस टर्मिनल की जगह है, यहाँ पे क्या किया ये देखिए कितना बड़ा ये इसको घेर दिया है, यहाँ पे बसे आती है, लोग बैंक में भी आते हैं, स्कूल में आते हैं, ये सारी जगह कवर कर ली गई है पार्क के द्वारा, तो इस जगह को ये सबके काम आती है, बस टर्मिनल, बस टर्मिनल की जगह है इसको, नहीं ये कहीं से लग नहीं रहा है कि बस टर्मिनल की जगह है, जो इसकी हालत बना दी गई है कैमरा दिखाई कहीं से नहीं लग रहा है कि आदमी 4 घंटा बसना हो तो 4 घंटे खड़ा रहता है, बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, क्या बस स्टैंड बनाते हैं उनके लिए बैठने को जगह भी हो वो नहीं है, यहाँ खड़े ही रहो 2 घंटा बस में, यहाँ कितने साल से, अरे पहले की तो बात छोड़ो अब तो सब कुछ है, अभी यही हाल, अभी भी यही हाल है, इतनी नाराजगी, इतनी नाराजगी और क्या नाराजगी होगी, जब पब्लिक को सुख नहीं होगा तो पब्लिक को क्या चाहिए, रोड पर चलना चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों के लिए पार्क चाहिए, अब ये है कि ये हमने कभी नहीं देखा था, थोड़ा बहुत हो रहा है, उम्मीद है, उम्मीद से ही जी रहे हैं और कर क्या सकते हैं, उम्मीद से ही जी रहे हैं। तो ये जो स्थिति है अंकल यहाँ पे कितने सालों से स्थिति बनी हुई है? ये अभी करीब करीब ये स्थिति बनी है 4 साल से 5 साल से पहले स्थिति ऐसी हो गई है, ये जगह बिल्कुल क्लीन थी, यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ था, एक स्टैंड वहाँ था, 2 बस स्टैंड थे यहाँ पे सरकारी, दोनों गायब हो गए और ये सब कवर कर लिया गया, और अब यहाँ पे जगह नहीं है, पूरे आयनगर में कहीं पे जगह नहीं है, कोई भी प्रोग्राम हो शादी हो मंदिर पे आए कोई भी तो यहाँ पे जगह मिल जाती है लोगों को, तो गांव के सुविधा के लिए कोई भी आए सबके लिए थी जगह थी पूरे आयनगर के लिए, लेकिन इसको पूरा कवर कर ना बस आ सकती घूमने का पूरा सही हो, पूरी जगह को कवर कर ली गई और ये जो पार्क था इसकी भी स्थिति बेहाल है, तो पब्लिक कहाँ जाए क्या करे, तो पब्लिक कहाँ जाएगी, बच्चे वो घरों में रहेंगे बीमार हो जाएंगे भाई, बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी कहीं पे, कोई स्टेडियम नहीं कुछ नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे कैसे कामयाब होंगे, बच्चे शरीर ठीक रहे तभी तो कुछ करेंगे, तो बच्चों के लिए तो खेलना जरूरी है, तो खेलने के लिए कहीं जगह ही नहीं, यानी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर तो जाएंगे ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट हो जाएंगे, छोटे बच्चे देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी सब 8-10 साल के बच्चे कहाँ जाएं कैसे खेले, इनकी फिजिकल विकास कैसे होगी, और फिजिकल एक्टिविटी का जो असर है वो मानसिक विकास पर पड़ता है, अब देख सकती हैं और भी छात्राएं जो है यहाँ पे काम करने वाले बच्चे जो है वो आते हैं यहाँ लंच करने आते हैं और पास में नाली की दुर्गंध को झेलना जो है उनकी मजबूरी हो चुकी है, तो आखिर आप ही बताइए कि लोग कहाँ जाएं क्या करें किस तरह से, देखिए अभी भी किस तरह से खुले में जो है जानवरें भटक रही हैं, जानवरें इधर से उधर कर रही है,
आखिर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है और सरकार क्या कर रही है? छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू की शिकायतें आती हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट लेने आया जाता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी न्यूज़ 10 इंडिया के माध्यम से, आपको किसी नए जगह पर ले जाएंगे और वहाँ की जमीनी हकीकत से रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।